तो वो ने पापा की टी शर्ट पहनी है, पापा की टी शर्ट पहनी है। कहा बात है भैया बुट्टू, छोटा बुट्टू तो वो जो रही है पापा की टी शर्ट पहनी है टोबो ने। ये मेरा जोर है, पापा की टी शर्ट पहनी है टोबो ने। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आप सोचेंगे आज मैं पूरे रेडी होकर व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सो गाइस, आज ऐसा है कि दीवू टोबो सर को वॉक करा के ले आया है। मैं नहाने चली गई थी क्योंकि मैंने और दीवू ने जाना है, भागवत शुरू हो रही है। कल मैंने आपको बताया था कि मम्मा कलश यात्रा पे गए थे। सो आज ना एक्चुअल में भागवत शुरू हो रही है, तो वहाँ पे हमें कुछ चढ़ाना था। तो हम आज सुबह सुबह जा रहे हैं, मैं और दीवू, मम्मा नहीं जा रहे हैं आज सुबह, आज मैं और दीवू जा रहे हैं। 8 बजे हमें निकलना है, अभी 8 नहीं बजे हैं। मैं सुबह 7:45 उठी थी, तो 8 बजे निकलना है हमें, और वहाँ पे 1-1.5 घंटा हमें लग जाएगा। तो हम 9:30 तक वापस आएंगे और आगे सब काम करेंगे, शॉप पे जाना है या जो भी है हमें। तो सुबह सुबह टोपो जरूर वॉक पे चले गए थे और मैं नहा चुकी हूँ। और मैंने पहना ये वाला सूट, पिंक वाला, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सुबह ये पहना है मैंने सूट, अभी मैंने स्लीपर ही पहने हैं, बाकी मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये देख लीजिए। सो गाइस, बस अभी मुझे पहननी है स्वेटर और थोड़ा सा काम करना है और हम चले जाएंगे। और पीछे मैंने बिस्तर भी सेट कर दिया, जैसे आप देखो अब दीवू नहाने गया है, अब दीवू भी आ रहा होगा थोड़ी देर में। सो जैसे दीवू आता है वैसे मैं कैमरा ऑफ कर दूंगी, उसके बाद मैं स्वेटर पहनूंगी। पहले आपके साथ मैं स्वेटर निकाल ही लेती हूँ, आज मैं कौन सी स्वेटर पहनूंगी। थोड़ा कंफ्यूजन है, इसका दुपट्टा ये वाला है पिंक वाला, कौन सी स्वेटर पहनूं जो मैच हो जाए, अच्छी भी लगे। आई थिंक सो ये जाएगी। मैंने निकाली है ये वाली स्वेटर, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। मैंने निकाली है ये वाली स्वेटर, लाइट भी है, थोड़ा सा मॉवी शेड भी है, पिंक शेड भी है, तो ये पहनते हैं। तो आई थिंक सो चली जाएगी उसका अच्छी। 2 दिन से मैं लाइट ही पहन रही थी और सर्दी भी है सुबह सुबह, अभी वैसे धूप निकल चुकी है गाइस। गाइस पहन लिया मैंने स्वेटर, ये पहनी है मैंने, अब भी आप देख लो मैं कैसी लग। सो गाइस ये पहनी है मैंने इसके ऊपर स्वेटर। सो ये आगे से थोड़ी ऐसी है वी शेप में, इसके सिर्फ बटन्स ऊपर ही हैं। तो ये पहनी है मैंने, देखिए कैसे लग रहे हैं, ठीक लग रही है मेरे हिसाब से। अब मुझे इसके साथ दुपट्टा लेना और मैं चले जाऊंगी, बस काम करना है थोड़ा सा। अभी देखो आ रहा होगा नहा के, हीटर लगा हुआ, हीटर मुझे बंद करना है और अभी कॉमिंग करनी है, दुपट्टा लेना है और निकलना है, थोड़ा सा सामान लेना है। और मैं अभी है मेरे पास 10-15 मिनट, तो मैंने सोचा व्लॉग शुरू कर लेती हूँ, आपसे बात कर लेती हूँ, आपको गुड मॉर्निंग विश कर देती हूँ। अब हम करते हैं अपने बाग की तैयारी, वो जाना ज़रूरी है इसलिए मैं और दीवू जा रहे हैं। हमने सोचा था कि हम शाम को मत्था टेकने जाएंगे रोज़, क्योंकि सुबह नहीं निकलने होगा, बट हमारा आ जाना ज़रूरी है, तो मैं और दीवू जा रहे हैं सुबह सुबह। मम्मा कल रात को लेट आए थे हमारे साथ, कोई 10-10:30 सुबह गए थे, तो फिर मैंने सारा काम कर दिया था पीछे। हमने डिनर भी मैंने बना के रखा था, टोबो जोर को खाना खिला दिया था रात को, पापा ने खा लिया था बट मैंने और दीवू ने नहीं खाया था। तो रात को हम वहाँ गए थे जहाँ पे गुरुजी आए हुए थे बागवत शुरू होने से पहले, तो उधर उनको मत्था टेका, तो साथ में उसके बाद फिर मम्मा को लेके आए और हमने भी वहीं पे खाना खाया क्योंकि वो फोर्स कर रहे थे, तो हमने वहाँ पे खाना खा लिया। तो बस यही था अभी के लिए। और आज मुझे आके ना सामान भी निकालना है क्योंकि फंक्शन है 10 को, आज 8 तारीख है, 8 तारीख का व्लॉग है ये, 8 को व्लॉग बना रही हूँ मैं ये वेंसडे को। सो आज मुझे पैकिंग भी करनी है, पैकिंग नहीं भी करूँ सामान निकाल के रख देना है, और मेरे को परसों जाना। और दीवू आ गया, मुझे दरवाजे की आवाज़ आ गई कि दीवू आ चुका है, और अभी दीवू आएगा तो मैं व्लॉग को यहीं फिलहाल इसको यहीं पे बंद कर दूंगी और चली जाऊंगी बाहर, और फिर शॉप पे जाना है। सामान मैं शाम को निकालूंगी, मैंने दीवू को बोला क्या पहनना है मुझे बता देना, वो निकालना है अपना निकालना है और बाकी सेटिंग करनी है। और अब जाते हैं वहाँ पे जहाँ भागवत शुरू होने वाली है, और फिर आके करेंगे बाकी काम, और सामान शाम को निकालूंगी, रात को आपको दिखाऊंगी क्या निकाल रही हूँ। अगर नहीं भी दिखा पाई कल वाले व्लॉग में दिखा दूंगी। सो मिलते हैं आपसे। सो गाइज हम जा रहे हैं, दीवू देखो दीवू ने क्या पहना है, और उसको ठंड भी लग रही है, बोल ही रहा, कह रहा जैकेट पहन, बन के चला चुप करके। सो हम जा रहे हैं वहाँ पे, बस पहुँच जाएंगे विद इन 2 मिनट्स पहुँच जाएंगे, फिर हम जाएंगे पूजा करके, फिर आपसे मिलते हैं।
सो गाइज यहाँ पे भागवत हो रही है, जिन्होंने भागवत रखवाई है उन्हीं का बेटा विनायक पूजा कर रहा है, जो आपको आगे दिख रहा है जिसने धोती पहनी है येलो वाली। सो गाइज आ गया मैं वापस, अब मैं आ गई हूँ किचन में, मम्मा चले गए हैं पूजा करने, सबने खाना खा लिया, मतलब पापा खा बैठे हैं, दीव खा के चला गया है, वो मेरे को छोड़ने आया था। हम भागवत की जो आरती उरती होती है वो होके हम वापस आ गए घर, और मैंने रखी अपने लिए चाय। सो गाइज ये मम्मा ने प्याज तड़का है, और खाली प्याज भी बहुत टेस्टी होता है, और मैंने अपने लिए चाय रख दिया है। अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी, और ये अपने लिए जैगरी पाउडर डाल रही हूँ इसमें, ये देख रही हूँ, ये मेरा बिल्कुल बॉक्स सादा हो गया। अब मत सोचना कि मैंने ख़त्म किया सारा, ये और भी लोग खाते हैं, मैं सॉरी और भी लोग पीते हैं, और भी लोग पीते हैं, तो इसीलिए ये डब्बा इतना हुआ है। सो गाइस ये मैंने डाल दी इसमें जैगरी पाउडर, अब मेरी चाय बनेगी, तो उसमें मैं चाय डालूंगी, चपाती बना हुआ है, सबसे बड़ी हुई है, मैं नाश्ता करूंगी, टो बुजुर्गों को खिलाऊंगी, अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं टो बुजुर्गों को खिलाऊंगी, और मम्मा के लिए बनाने मुझे पकौड़े, तो पहले मैं खाऊंगी क्योंकि उनका फास्ट है, वो एक टाइम ही खाएंगे। मैंने आपको बताया था भागवत में जिन्होंने इनके घर पूजा होती है, हमारे घर भी अगर मम्मा कर रहे हैं, ये चीज़ मम्मा करते हैं तो मम्मा ने एक ही टाइम खाना खाना, तो मम्मा जो एक टाइम खाना खाएंगे वो शाम को खाएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए पकौड़े भी बनाने हैं। सो गाइस ये चाय बन रही है मेरे और आंटी के लिए, पता नहीं इतनी आवाज़ क्यों कर रहा है। तो गाइस उस दिन जो दूध बॉईल हुआ था ना, उसकी वजह से इसका बेस ख़राब हो गया, ये सॉरी ये पानी बॉईल होगा फिर मैं इसमें दूध डालती हूँ, थोड़ी सी गड़क आ जाए ना। तो गाइस मेरी चाय भी ऑलमोस्ट बन गई है, अगर आपको दिखाऊँ तो टेम्परेचर अब मैंने बिल्कुल कम कर दिया, 200 पे कर दिया, फिर भी ये बॉईल है, इसका पता क्या प्रॉब्लम है इस इंडक्शन का, बड़ा हीट होगा ना तो अगर आप बंद भी कर दोगे तब भी इतना सेक होगा कि एक दो मिनट के लिए वो इतना तेज सेक होगा कि आप अगर आप कम कर दोगे ये फिर भी बाहर आ जाएगी, तो आपको इसको थोड़ा सा देखते रहना पड़ेगा। अब मैंने कम टेम्परेचर किया ना, अब मैंने 2-3 बार उठाया था तो इसीलिए ये बाहर नहीं आ रहा, अदरवाइज ये अभी भी देखो बाहर आने को तैयार है कम टेम्परेचर में भी। सो ये देखिए उस पास हिला देती हूँ थोड़ा सा उठा के, ये ऐसे ऐसे करके तो फिर ये नीचे बैठ जाता है। ये मेरी और आंटी की चाय बन रही है, मैं अब चाय डालने लगी अपने लिए, ब्रेकफास्ट करने लगी और फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइज ये है मेरा ब्रेकफास्ट, प्याज है, चपाती हैं, 3 है, एक टोबो खाएगा और साथ में चाय है, इसे मैं खाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइज बड़ा टेस्टी होता है ये प्याज, आप भी बना के घर पर ट्राई करना कुछ। सो गाइज मैं बना रही हूँ मम्मा के लिए पकौड़े, मेरे हिसाब से तो बहुत है, इतने तो ना बुत्तर बात, चलो अब यहाँ से गंदी बात होती है। फिर गाइस थोड़ा सा जीरा आपको अगर पैकेट में डाला है, क्योंकि जो दूसरा वाला जीरा होता है ना जो हम यूज़ करते हैं वो अलग से नमकदानी में, तो फिर वो व्रत में यूज़ नहीं करते, तो इसलिए हम पैकेट में रख देते हैं, क्योंकि मम्मा ने इसका पानी भी पीना होता है सुबह। मार पड़ेगी मार, चलो बात मार पत्ती होती है फिर। ये व्रत वाला नमक अलग है, थोड़ी सी लाल मिर्च, जब तक ना तेल गर्म होता है ना तब तक मैं इसको ऐसे से कर लेती हूँ। ये मेरे पास आके खड़ा हुआ है, इसने सोचा कि मेरे को एक दो बार रस दी है तो फिर और देंगे, अब कितना दूंगी तो वो बस हो गया। अब भाई मेरे को लग रहा है कि मैंने पानी थोड़ा ज्यादा डाल दिया, हाँ मुझे डालनी पड़ेगी, मैंने ध्यान नहीं दिया ब्लॉग बनाने के चक्कर में, एक्चुअल में नहीं तो मैं अच्छे बराबर डालती हूँ। कोई बात नहीं, थोड़े पकौड़े वो डाल लेंगे, मेरी रिंग में लग जाएगा आटा, अभी भी पतला बट अब थोड़ा सा मैंने ना कॉम्पनसेट कर लिया है, मुझे नहीं पता नमक कैसा है, गलती मेरे से पता क्या हुई है गाइस, मैंने पानी डाला ना मैंने ध्यान नहीं दिया नीचे, अगर मैंने पहले ही पानी डाल दिया होता पकौड़े बाद में डालते ना तो ठीक रहता था,
और दूसरी साइड मैंने दूध भी रखा हुआ है, डाल देते हैं दान तो पड़नी है, आप डांटे ही गए इधर, अब जैसा चाहिए था ना अब वैसा बना, तो मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया, वेस्ट नहीं होता है, मान लो अगर ये बच भी गया तो इसका चिल्ला बना सकते पकौड़े को डाल जो बच रहे, तो हेलो गाइज आ गई हूँ मैं शॉप पे वापस, अभी आई हूँ, 1 बज गए हैं, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैंने आपको दिखाया था कि आज मम्मा ने प्याज तड़का था सिर्फ, और उसके साथ मैंने चपाती खाई और चाय पी, और उसके बाद मैंने टोबजरों को खाना खिलाया, मम्मा का फास्ट है एज यूजल, अभी 1 हफ्ता पूरा रहेगा जब तक भागवत है, आप भी सोचते होंगे कितने फास्ट रखते हैं, सो आज उनका फास्ट है। हमारे में ना ये जो एक टाइम खाना खाना होता है इसको नत बोलते हैं, आप में पता नहीं क्या बोलते हैं, आप बताना प्लीज़ कि आप में क्या बोलते हैं जब एक टाइम खाना खा लेते हैं, जैसे पूर्णमासी के व्रत में एक टाइम खाना खा लेते हैं ना, वैसे मतलब जब आप ये भागवत होती है तो एक टाइम अन्न खा सकते हो भागवत खत्म होने के बाद उस दिन, तो अभी मम्मा ने सुबह व्रत का खाया, व्रत में मैंने उनको पकौड़े बना के दिए थे, पम्पकिन के पकौड़े बनाए मैंने अपनी सास के लिए अपनी मम्मा के लिए, तो अपनी सासू माँ के लिए मैंने पम्पकिन के पकौड़े बनाए, उन्होंने वो खाया, पनीर के पकौड़े भी बनाए थे मैंने बीच में कुछ, सो उन्होंने खाया फिर वो फ्री हो गए, उसके बाद फिर मैंने मेरे को मम्मा कहते तू बर्तन में बर्तन धो रही थी, मुझे कहते तू रहने दे तू चली जाए शॉप पे, तो मैंने कहा नहीं थोड़ा सा काम है मैं करके ही जाती हूँ अभी, तो फिर मैं 1 बजे शॉप पे आई आज, तो अभी मम्मा जाएंगे 2:15-2:30 बजे भागवत में, सुबह शुरू हो गई थी कथा, सो मम्मा ने सुबह नहीं गए, मम्मा तो हम गए थे सुबह, अब दिन को जाएंगे मम्मा 2 बजे के आसपास, विदुल लेने आएगा उनको, विदुल नानके में ही है, जो दिवू का नानके है वो विदुल का भी नानके ही है, अब विदुल लेने आएगा 2 बजे उनको, सो फिर 2 बजे दिवू लंच करने जाएगा नानके, क्योंकि आज हमें लंच वहीं पे है, और दिवू वहाँ पे खाना खाने जाएगा और मेरे वहीं से लंच लेके आएगा, सो जो लाएगा मैं आपको बताऊँगी वो क्या लेके आया है। सो गाइस अभी फिलहाल मैं शॉप पे हूँ, और भागवत के बारे में तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया कि आज भागवत है, आज ही शुरू हुई थी, सुबह मैं भी गई थी और दिन को मम्मा जाएंगे, और दूसरी बात यह है कि आज घर के मुझे कपड़े भी निकालने हैं, मतलब जो पहनना है वो सिलेक्ट करनी है निकालनी है, देवों की भी निकालनी है अपनी भी निकालनी है, पैकिंग मैं कल ही करूँगी क्योंकि कल शाम को या परसों सुबह सुबह जाएंगे हम, अभी फाइनल डिसाइड नहीं हुआ, अभी करेंगे डिसाइड, मैंने मम्मा और काजू को भी वीडियो कॉल करनी है, दोनों के साथ कॉन्फ्रेंस पे बात करूँगी और फिर पूछूँगी कि क्या करना है कैसे जाना है क्या पहनना है, वो सारी बातें होंगी अभी वो बाकी हैं, मैंने सोचा पहले शॉप पे आके आपसे बात कर लेती हूँ, और मैंने अभी आपको सैंपल दिखाने हैं आज वाले, वो भी अभी पेंडिंग है, वो भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में, फिलहाल मैं खाना खाऊंगी लंच के बाद, थोड़ी देर के बाद मैं आपको सैंपल दिखाऊंगी, उससे पहले तो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। सो गाइस दिव्य ने जाना था लंच करने नानके, और मैंने नहीं जाना था, उसने मेरे लिए लंच लेके आना था, बट फिर उसने मुझे बोला कि सोनम दोनों चलते हैं वहीं कराते, क्या मैं यहाँ पे तेरे 2 चपाती लेके आऊँगा, मैंने उसको बोला था कि मैंने चपाती सब्जी खानी है तो मेरे लिए चपाती सब्जी ले आना, तो फिर वो कहता कि तू भी चल, तो फिर हम दोनों वहाँ पे लंच करने गए थे, तो मैंने वहाँ पे खाई थी राजमा थोड़े से राइस चपाती और नहीं थी आलू शिमला मिर्च, तो वो खाई थी, वो खा के हम आगे, फिर मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, बिजी हो गई थी, मम्मा से काजू से बात करी, तो फिर अब सोच रहे हैं कि कल जाना नहीं जाना वो डिसाइड कर लेंगे रात को, आज फाइनल हो जाएगा, और मैंने आपको कहा था कि मैं आप सैंपल दिखाऊंगी, तो अब मैं आज आपको सैंपल दिखाऊंगी, सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज अभी ना दिव्य ने चाय मंगा दी है, तो मैंने चाय भी भेज दी है, मैं चाय पीने लगी हूँ, चाय पी के 5-10 मिनट रेस्ट करके फिर मैं आपको सैंपल दिखाती हूँ और चाय दिखा देती हूँ सच में आ गई। देखिए गाइस दिव्य ने मिले चाय और कचौरी भेज दी है, आज घर से नहीं आई है, बाहर से आई क्योंकि मम्मा घर पे नहीं है, सो ये उसने नीचे ना पेपर रख दिया, तो ये मैं खा के चाय पी के 5-10 मिनट में आपको सैंपल दिखाती हूँ। सो गाइस मैंने चाय पी ली है और मैंने सोचा आपको आज सैंपल दिखाती हूँ, सो चलिए शुरू करते हैं आज के सैंपल्स, जो आज मेरे पास सेट है उसमें कलर डिफरेंट है डिज़ाइन भी डिफरेंट है। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं, जो आज मेरे पास सेट है उसमें मेरे पास कम से कम 8-10 पीसेज हैं, कलर डिफरेंट है डिज़ाइन डिफरेंट है कपड़ा सेम है पश्मीना का, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस ये है मेरा फर्स्ट पीस, अगर आप पास से देखें मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी, ये शर्ट है पश्मीने में, आई बॉल का काम हुआ इसमें भी, और इसमें ये बॉटम है पश्मीने में सॉफ्ट वाला, ये सॉफ्ट पश्मीना है, और ये डिजिटल का शॉल है, लाइट वेट शॉल है, अच्छा शॉल है, और गाइज अगर मैं आपको पास इसका नेक दिखाऊं तो ये देखिए ये है इसका काम हुआ हुआ। सो गाइज बहुत ही फाइन कपड़ा है पश्मीना है, डिजिटल प्रिंट में है इसका शॉल, और इसका बॉटम जो है
वो भी पश्मीने में है, शर्ट भी पश्मीने में है, बॉटम भी पश्मीने में है, और जो इसका शॉल है वो डिजिटल में है। सो इसके बॉर्डर में ये है, इसके घेरे में ये लैस है, और ये पास से देख लीजिए और दूर से भी देख लीजिए कैसा दिख रहा है कपड़ा। काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी स्मूथ कपड़ा है, पश्मीना है गाइज ये, ठीक है। फिनिशिंग क्लियर है, सॉफ्ट है, फाइन है। सो शॉप पे आके विजिट करिए, और इसमें जो बाकी कलर्स हैं, बाकी डिज़ाइन है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज ये हैं बाकी के पीसेस, टोटल 8 पीसेस हैं मेरे पास इसमें, और अगर आप देखो तो डिज़ाइन डिफरेंट है। ये कलर मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, देखिए इसका डिज़ाइन बिल्कुल डिफरेंट है, कपड़ा सेम है। इसमें भी शॉल जो है डिजिटल प्रिंट में, मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस, ये है इसका शॉल डिजिटल प्रिंट में, इसके बीच में फोल्ड में है तो मैं इसलिए नहीं निकाल रही इसको। सो ये भी डिजिटल में है, और इसके बाद ये है पर्पल शेड, बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन है, अगर आप कंपैरिजन में आओ तो टोटल डिफरेंट डिज़ाइन है, ठीक है। उसके बाद ये ग्रे में है, जिनको ग्रे कलर्स पसंद है। उसके बाद ये थोड़ा बर्नट ऑरेंज शेड है। सो गाइस रेड में आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, मरून रेड जो भी बोलो आप इसको। सो ये ब्लू है, टोटली डिफरेंट। उसके बाद ब्राउन है गाइस, कोई भी डिज़ाइन किसी से मिलता जुलता नहीं है गाइस, ये देखिए सारे डिज़ाइन डिफरेंट हैं गाइस। सो गाइस दिस इज़ द होल कलेक्शन ऑफ दिस सेट। अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहे हैं डिज़ाइन, सो उसके लिए आपको ना शॉप पे आके विजिट करना पड़ेगा, और मुझसे एक एक डिज़ाइन के लिए खुद आके देखना पड़ेगा कि मेरे पास क्या क्या डिज़ाइन अवेलेबल हैं। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। सो शॉप पे आके आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। ये 3 पीस जो सेट है, शर्ट पश्मीना है, बॉटम पश्मीना है, और इसका जो शॉल है वो डिजिटल प्रिंट में है, वो भी पश्मीने में है। सो दिस इज़ द होल सेट जो आज मुझे आपको दिखाना था। सो ये पीस मैंने खोला था इसलिए थोड़ा सा कम तरीके से सेटिंग में है, बाकी सारे सेट पीसेस में है। सो गाइस देख लीजिए, ये प्रॉपर फिनिशिंग नहीं दिख रही होगी आपकी इसकी, क्योंकि मैंने इसको अभी प्रॉपर खोल के दिखाया था इसीलिए। सो गाइस दिस इज़ अ होल कलेक्शन ऑफ दिस सेट। सो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, और प्लीज़ मेरी शॉप पर विजिट करिए और देखिए मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी, और आप सो गाइस आप डेफिनेटली मेरी शॉप पे आके विजिट करेंगे और देखेंगे मेरे पास क्या कलेक्शन है। क्लोजली आके देखने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है गाइस। सो प्लीज़ मेरी शॉप में विजिट करिए, एंड आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू गाइस।